अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू ऑल? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। ओके क्लास, वी विल वेट फॉर 5 more minutes सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स कैन जॉइन अस, बिकॉज आई एम गोना डिलीवर एन इम्पोर्टेंट लेक्चर एंड यू विल बी हैविंग अ प्रोजेक्ट एज वेल एज अ प्रेजेंटेशन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेक्चर विच आई एम गोना गिव यू। ओके, तो आप लोगों का एक मैंने प्रोजेक्ट रखा हुआ है 10 marks का और प्रेजेंटेशन रखी है 10 marks की, जो कि इस लेक्चर के बेस पर है। ठीक है, तो आई वॉन्ट यू टू लिसन टू द लेक्चर केयरफुली एंड आस्क क्वेश्चंस वेयर रिक्वायर्ड, वेयर यू हैड एनी डाउट। तो इसलिए मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं ताकि सारे स्टूडेंट्स जो हैं हमें ज्वाइन कर सकें। ओके okay?
All right, class, I'm sharing my screen with you. Okay, let me know if my screen is visible to all of you. Yes, ma'am. Okay, fine. Okay, class, yes, as you can see that we are going to do research report writing, and this is the core of your course, I should say, because it is very important for you as you are in English 3, and it is very crucial for your academic standing. Aur iske saath saath ye ki aap jo hai wo research jo report hai, ये एकेडमिक राइटिंग का पार्ट है और ये आप आगे जाकर आपसे मांगा जाएगा लाइक फॉर योर डिग्री पर्पस. ठीक है, फॉर योर डिग्री सेक आपसे जो है वो कहा जाएगा कि आप एक रिसर्च प्रोजेक्ट लिखें एट द एंड ऑफ योर कोर्स, सॉरी नॉट कोर्स एक्चुअली, एट द एंड ऑफ योर डिग्री. आपकी जब डिग्री एंड हो रही होगी तो आप लोगों को रिसर्च प्रोजेक्ट लिखने को कहा जाएगा. और स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स this difficulty to write a research report at the end of their degree program. So that's why I suggest all of you to be very attentive and careful and listen to the instructions carefully so that you may not face any difficulty in future when you are asked to write a research report for your degree completion. Kyunki agar aap अगर आप ये रिसर्च नहीं प्रोजेक्ट नहीं लिखेंगे तो आपको आपकी डिग्री नहीं मिलेगी. ओके, फॉर द सेक ऑफ अक्वायरिंग योर डिग्री यू हैव टू सबमिट अ रिसर्च प्रोजेक्ट. सो दिस विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन. ये सिर्फ इस कोर्स के लिए नहीं है, इंग्लिश के लिए नहीं है, बट एक्चुअली इट विल बी हेल्पफुल इन द लॉन्ग रन. यानी आगे जाकर आपको ये बहुत काम आएगा और आप जो ये आपको स्किल्स जब भी आप यहाँ पर रिसर्च के सीखोगे दैट वुड बी हेल्पफुल इन upcoming research project which you will be having at the end of your degree inshallah. Jab aap log apni degree khatam kar loge to aap likhoge. So I want all of you to be attentive, aur jahan par bhi aapko koi problem aati hai please feel free to stop me and ask me questions, but that should be related to the lecture. Okay, koi dusri baaton ke liye mujhe stop mat kijiyega beech mein, kyunki flow jo tempo hota hai wo toot jata hai, jiski wajah se main dobara jo hai us pe focus nahi kar pati hu. Okay, so let's start my lecture. Okay, research report writing, as the term itself is suggesting that it is something related to research. ठीक है, तो जिसको हम रिसर्च पेपर भी कहते हैं या रिसर्च प्रोजेक्ट भी आप इसको कह सकते हो. सो व्हाट इज अ रिसर्च रिपोर्ट? A research report is a well-crafted document that outlines the processes, data, and findings of systematic investigation. Okay, research report basically क्या होता है? देखें, गौर से सुने. You are assigned a topic. आपको एक टॉपिक असाइन किया जाता है, या ये कि आप खुद अपनी मर्जी से कोई टॉपिक को आप चूज करते हो. ठीक है, आप जब उस टॉपिक को लेते हो या उस क्वेश्चन को या उस टाइटल को आप लेते हो, so you do some sort of researches on that particular topic, like you search for the literature, you gather data, you like analyze your data which you have gathered, and then after that, after the analysis of the data, you have some sort of results and findings of your research. So ये रिसर्च रिपोर्ट क्या है? उस वेल क्राफ्टेड डॉक्यूमेंट को कहते हैं जिसमें आपने एक फिनोमिनन को आपने इन्वेस्टिगेट किया है, एक्सप्लोर किया है, और उसको जो है आपने उसको रिसर्च किया है. रिसर्च करने के बाद आप वो सारा प्रोसेस जो है उस डॉक्यूमेंट में लिखते हो. ठीक है, यानी उस एज अ रिपोर्ट उसको लिखते हो. तो आगे जाकर आई विल बी शेयरिंग द फॉर्मेट विद यू, लेकिन अभी आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि व्हाट इज अ रिसर्च रिपोर्ट. तो रिसर्च रिपोर्ट बेसिकली वो वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल क्राफ्टेड डॉक्यूमेंट है जो आप अपने रिसर्च को कंडक्ट करवाते हुए डिफरेंट प्रोसीजर से आप गुजरते हो, डिफरेंट प्रोसेस आप करते हो, तो उसका जो पूरा ओवरऑल आप लिखते हो किसी डॉक्यूमेंट में आप उसको लिखते हो, तो वो आपका रिसर्च रिपोर्ट बन जाता है.
ठीक है, आपने उसमें लिखा कि आपका टाइटल क्या था, आपने किस फिनोमिनन को, किस टॉपिक को आपने इन्वेस्टिगेट किया है और या रिसर्च किया है, और आपने किस तरह से उसको रिसर्च किया है, और आपने क्या क्या टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए हैं उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, डेटा या इन्फॉर्मेशन जो आपने कलेक्ट करना था वो कहाँ से किया, क्या आपने लोगों से इंटरव्यूज़ लिए, क्या आपने कोई क्वेश्चनेयर जो है वो दिया लोगों को फिल करने के लिए, या ये कि आपने जो है वो बुक से, लिटरेचर से उसको ढूंढा. सो देर आर सो मैनी वेज फॉर इन्वेस्टिगेटिंग अ फिनोमिनन. तो आपने वो सारा यहाँ बताना है. फिर आपने उसको एनालाइज कैसे किया, आपने उन सबको कलेक्ट किया, करने के उन इंफॉर्मेशन के साथ आपने क्या किया. तो जाहिर बात है आप जब उनको कलेक्ट करोगे तो इंफॉर्मेशन के साथ आप उन इंफॉर्मेशन को आप एनालाइज करते हो. किस तरह से एनालाइज करते हो कि आपका जो मकसद है वो आप निकालते हो. फॉर एग्जांपल अगर मैं चूंकि मेरा बैकग्राउंड है लिंग्विस्टिक्स का, तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि पाकिस्तानी जो या ये कि जो पंजाबी स्टूडेंट्स हैं वो कोड स्विचिंग करते हैं क्या यूनिवर्सिटी में, जब अपने फ्रेंड्स से बात कर रहे होते हैं या अपने टीचर से बात कर रहे होते हैं, या अगर मैं इन जनरल ले लूँ, मैं ये देखना चाहती हूँ कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जब वो इंग्लिश पढ़ते हैं तो क्या वो अपने वो अपने क्लास में इंग्लिश बोलते हैं, या ये कि कोड स्विचिंग कर रहे होते हैं, कभी इंग्लिश की तरफ या कभी उर्दू की तरफ जा रहे होते हैं, दोनों लैंग्वेजेस को यूज़ कर रहे होते हैं. तो मैंने ये देखना है. तो ये देखने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं जो है कुछ स्टूडेंट्स को लूँगी और कुछ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को लेने के बाद उससे उनसे इंटरव्यूज़ करूँगी, उनको क्वेश्चनर्स दूँगी, और फिर उन क्वेश्चनर्स और इंटरव्यूज़ जो कि उनकी लैंग्वेज रिलेटेड होगा, इंग्लिश और उर्दू से रिलेटेड होगा, वो क्वेश्चंस उससे पूछे जाएंगे. तो उन क्वेश्चंस का जब मुझे आंसर मिलेगा तो मैं देखूंगी कि किस तरह से ये लोग करते हैं, क्या करते भी हैं कि नहीं ये लोग कोड स्विचिंग, और करते हैं तो किस तरह से करते हैं, वो पैटर्न्स क्या हैं. ठीक है, तो वो सारा कुछ जब मैं देखूंगी तो मुझे आंसर मिल जाएगा उन इंटरव्यूज के क्वेश्चंस आंसर से और क्वेश्चनेयर जो मैंने दिया आप स्टूडेंट्स को. तो अब मैं उसको जो है फिर अपने फाइंडिंग्स में लिखूंगी कि स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ 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 पर जो है वो कोड स्विचिंग करते हैं, यहाँ यहाँ वो इंग्लिश बोलते हैं, यहाँ यहाँ वो उर्दू बोलते हैं, यहाँ यहाँ वो दोनों लैंग्वेजेस बोल रहे होते हैं. तो मतलब मेरी फाइंडिंग्स हो जाएंगी. तो एक पूरी जब रिसर्च करते हैं तो एक आप रिसर्च को जो है बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज्ड वे में, सिस्टमेटिक वे में आपको करना होता है और उसको लिखना होता है. तो रिसर्च रिपोर्ट उसी को कहते हैं. सो इन मेनी वेज अ रिसर्च रिपोर्ट कैन बी कंसिडर्ड अ समरी ऑफ द रिसर्च प्रोसेस दैट क्लियरली हाइलाइट्स फाइंडिंग्स, रिकमेंडेशंस एंड अदर इम्पोर्टेंट डिटेल्स. तो आप देखिए रिसर्च रिपोर्ट क्या है, कहते हैं कि ये एक्चुअली एक समरी होती है आपके रिसर्च की जो आपने की है, और आपने जो फाइंड किया, जो आपका रिजल्ट है, जो आपके रिकमेंडेशन है और जो दूसरे डिटेल्स हैं, उन सब को आप रिसर्च रिपोर्ट में लिखते हैं. आर यू गेटिंग मी क्लास? यस मैम. यस मैम. यस मैम. ओके ओके. यस मैम. चले तो इट वॉज रिसर्च रिपोर्ट. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ रिसर्च रिपोर्ट, एक रिसर्च रिपोर्ट के क्या खसूसियात हो सकते हैं. सो हाउ डू यू रिकॉग्नाइज अ रिसर्च रिपोर्ट व्हेन यू सी वन. ओके, सो हियर आर सम ऑफ द बेसिक फीचर्स दैट डिफाइन अ रिसर्च रिपोर्ट. एक रिसर्च रिपोर्ट को डिफाइन करने के लिए इन फीचर्स की तरफ आप देखें, हम इसको जरा वन बाय वन पढ़ते हैं. इट इज अ डिटेल्ड प्रेजेंटेशन ऑफ रिसर्च प्रोसेसेस एंड फाइंडिंग्स, एंड इट इज यूजुअली इंक्लूड्स टेबल्स एंड ग्राफ्स. ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको शुरू में बताई है कि ये एक रिसर्च का जो प्रोसेस है, आपका टॉपिक कैसे आपने सेलेक्ट किया, क्यों सेलेक्ट किया, उसकी क्या वजह है, आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या है, आप क्या ढूंढना चाह रहे हैं, क्या एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, आपने अपने इस क्वेश्चन को एक्सप्लोर करने के लिए क्या तरीका, क्या रिसर्च मेथड अपनाया, आपने क्वेश्चनेयर लिया, आपने इंटरव्यू किया, या आपने लिटरेचर को देखा डिफरेंट, और इसके बाद जो है आप जब डेटा आपने कलेक्शन कर लिया है उसको एनालाइज कैसे किया, और फिर आपके फाइंडिंग्स क्या हैं, आपको क्या हासिल हुआ इस रिसर्च से, आपको क्या क्या रिजल्ट मिला इस रिसर्च का, और फिर समटाइम्स आप इसमें जो है वो ग्राफ्स भी यूज़ करते हैं, टेबल्स भी यूज़ करते हैं ताकि अपने रिसर्च को
जो है रिसर्च की फाइंडिंग्स को प्रेजेंट कर सके. ओके सो ये एक इसका इसकी क्वालिटी है रिसर्च रिपोर्ट की. इट इज रिटन इन अ फॉर्मल लैंग्वेज. यस व्हेन यू राइट अ रिसर्च रिपोर्ट यू हैव टू बी वेरी फॉर्मल इन इन चॉइस ऑफ योर लैंग्वेज एंड इन सिलेक्शन ऑफ योर वर्ड्स. ठीक है, आप स्लैंग वर्ड्स यहाँ पे यूज नहीं कर सकते. यू कैन नॉट यूज डिफरेंट इनफॉर्मल लैंग्वेजेस हियर. आई विल जस्ट शेयर द गाइडलाइंस विद यू आफ्टर दिस स्लाइड्स. आपको बताऊंगी कि वो कौन सी चीजें हैं जो आप एक फॉर्मल रिपोर्ट में या फॉर्मल लैंग्वेज में या फॉर्मल एकेडमिक राइटिंग में आप नहीं यूज कर सकते. ओके, देन यू हैव अ रिसर्च रिपोर्ट इज यूजुअली रिटन इन द थर्ड पर्सन. व्हेन यू राइट अ रिसर्च रिपोर्ट यू विल नॉट बी सब्जेक्टिव इन द रिपोर्ट. आप ये नहीं कहेंगे आई फाउंड दिस या वी फाउंड दिस. आपने कहना है द रिसर्चर फाउंड दिस, द इन्वेस्टिगेटर डिड दिस, द एक्सपेरिमेंटर डिड दिस फॉर एग्जाम्पल, या द ऑथर डिड दिस. ठीक है, तो आपने अपना नाम लेना ही नहीं है. ऑल्दो यू आर द वन हु कंडक्टेड द रिसर्च, यू आर द वन हु कैरिड आउट दिस स्टडी, बट यू विल नॉट बी सब्जेक्टिव हियर. यू विल यूज थर्ड पर्सन. आपने ही और शी करके अपने रिसर्च को रिपोर्ट को लिखना है. आपने ये कहना है कि ऑथर ने ये किया, रिसर्चर ने ये किया, ही कंडक्टेड दिस वे, ही टुक इंटरव्यूज, ही कंडक्टेड सर्वेज एंड ही इंटरव्यूड डिफरेंट स्टूडेंट्स. इस तरह से अपने थर्ड पर्सन को यूज करना है. ये नहीं करना कि आई कंडक्टेड द रिसर्च, आई कंडक्टेड द सर्वे एंड आई इंटरव्यूड डिफरेंट स्टूडेंट्स. नो, आपने आई का वर्ड यहाँ पर यूज नहीं करना है. ओके, इट इज इंफॉर्मेटिव एंड बेस्ड ऑन फर्स्ट हैंड वेरीफाइएबल इंफॉर्मेशन. ये जो है आपका जो रिसर्च रिपोर्ट होता है इंफॉर्मेटिव होता है. इट हैज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन और ये जो है वेरीफाइएबल इंफॉर्मेशन इसमें होती है. वो इंफॉर्मेशन होती है जिसको आप बाद में जिसको आप वेरीफाई कर सकते हो, जिसके आप तस्दीक कर सकते हो. आपको ये वो उसके जो है वो प्रूफ्स मिल सकते हैं. ओके, इट इज़ फॉर्मली स्ट्रक्चर्ड विद हेडिंग्स, सेक्शंस एंड बुलेट पॉइंट्स. व्हेन यू राइट अ रिसर्च रिपोर्ट आप यहाँ पर इसमें हेडिंग्स लगाते हैं. आपके सेक्शंस होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर वन, चैप्टर टू, चैप्टर थ्री, चैप्टर फोर, चैप्टर फाइव. स्पेशली व्हेन यू आर राइटिंग अ रिसर्च प्रोजेक्ट for your degree completion, at that time you are required to write a research project of 10,000 word or 10 to 12,000 words. ठीक है, आपसे कहा जाता है कि 12 से 15,000 के बीच में words लिखें अपने research project के लिए. तो at that time you divide your research project into different sections and chapters. आप chapter 1 लिखते हैं, chapter 2 में, फिर chapter 3 आता है, फिर chapter 4 आता है. In chapter 1, you write the introduction, background of your topic. Then you write the research questions. You write the significance of your study. You write the chapter division of the project. Then in chapter number 2, you do literature review, in which you review different articles and research papers and literature related to your topic. And then in chapter 3, you write the methodology. Methodology has a theoretical framework. Framework, like आपने कौन सा थ्योरी यूज की है अपने रिसर्च को करने के लिए. एंड what रिसर्च डिजाइन हैव यू ऑप्टेड फॉर. एंड ऑल्सो like what are the tools and instruments which you are using to carry out the study and also you will be telling the techniques of data analysis in that. Then the chapter 4, it also has data analysis part. Once you have collected the data, you have to analyze the data. Aap kaise karte hain data ko analyze? Aap data ko analyze karne ke liye aap tables banate hain. Un tables mein answers ko batate hain ki bhai ye responses आए. आप ग्राफ्स बना के बता सकते हैं, आप लिख कर बता सकते हैं सारा. तो दैट कैन बी लाइक इन एनी फॉर्म एंड इन एनी मेथड. वो आप पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा मेथड चूज किया है. ठीक है, then it always includes recommendations for future actions. Yeah, at the end of your research you always write recommendations for future actions. For example, you say that my research is investigating this thing of this phenomenon, so there are many other aspects of that phenomenon which can be researched or studied. Okay, is tarah se aap bata sakte hain. Okay, so class till here, if you have any question you can ask. Ma'am जी कोमल,
मैम जिस तरह मतलब आपने बताया कि हमने इसमें हमेशा थर्ड पर्सन जो है वो यूज करना है, तो अभी जो आप मतलब जब रिजल्ट है उसमें हम लोग फिर अपनी मतलब पोजेशन क्यों बताएंगे कि आए? आपने अपना तो आपने जिक्र ही नहीं करना, आपने कहने ही नहीं जी आई, यू विल नेवर एवर यूज आई, ठीक है? आप आई, ओके ऑल्दो अब जो है ट्रेंड ये चला है कि कुछ लोग यूज कर रहे हैं, बट स्टिल इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड टू यूज आई, लाइक फर्स्ट पर्सन आप यूज नहीं कर सकते, यू हैव टू जी पर्सन सिंगुलर, आपको वही कहना होगा द रिसर्चर, आप हालांकि आपने खुद ही इसको किया है लेकिन आप कहेंगे द जी रिसर्चर, द ऑथर, शी, ही, ठीक है, इस तरह से. तो अब बेस्ड ऑन द जेंडर, आपने अगर किसी कोई लड़का कर रहा है तो वो ही लिखेगा डेफिनेटली, और कोई लड़की कर रही है तो शी लिखेगा. हाँ, समटाइम्स ऐसा होता है कि रिसर्चर ज़्यादा होते हैं तो आपने यहाँ पर फिर मतलब दो या तीन या चार या पाँच रिसर्चर्स होते हैं तो आपने फिर यहाँ पर प्लूरल कर देना है, मतलब आपने लिखना है द रिसर्चर्स या दे, ठीक है, दे फाउंड आउट, ठीक है, इस तरह से आपने लिखना है क्योंकि एक नहीं एक से ज्यादा रिसर्चर्स होंगे. एम आई क्लियर? यस मैम. मैम अभी आपने लास्ट में ना एक लाइन बताई थी कि माय रिसर्च, और वो फिर फाइंडिंग्स में फिर जाके करना है. वो फ्यूचर रिकमेंडेशंस होते हैं आपके, जब पूरा का पूरा आपका रिसर्च हो जाता है तो हाँ आपसे जी आपसे कहा जाता है कि अपने आप रिकमेंडेशंस दें. अब रिकमेंडेशंस में ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो देखा है, मैंने जो फिनोमिनन जिस जो मेरा टॉपिक है दैट इज कोड स्विचिंग अमंग पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, ठीक है, तो जब मैंने ये देख लिया कि हाउ व्हाट आर द पैटर्न्स ऑफ कोड स्विचिंग अमंग द पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने कोड स्विचिंग को सिर्फ लिया है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के, तो आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि एटीट्यूड उनका कर सकते हैं टुवर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं उनका एटीट्यूड क्या है इंग्लिश की तरफ, आप कह सकते हैं कि मैंने तो इस आस्पेक्ट पर किया है, तो दूसरे जो रिसर्चर्स हैं वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के एटीट्यूड को देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ, ठीक है, मतलब यू हैव टू गिव अनदर गैप रिलेटेड टू ओके टॉपिक. मैम एक आपका टॉपिक ये था, यू कंडक्टेड दिस रिसर्च ऑन दिस एस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक, नाउ देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ दिस टॉपिक ऑन व्हिच डिफरेंट एंड सेवरल रिसर्चेस कैन बी कैरिड आउट, ठीक है, इस तरह से आपने सजेशन देना है फ्यूचर रिसर्चर्स के लिए. ओके, यस मैम यस क्लास, एनी अदर क्वेश्चन? ओके फाइन, अगर आप अभी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो बाद में आप लोग के लिए प्रॉब्लम होगी जब आप प्रोजेक्ट लिखोगे और आप प्रेजेंटेशन दोगे सब, तो आप देख लें फिर आप लोगों ने क्वेश्चन पूछ के अपने डाउट्स को क्लियर करना है या आपने इसी तरह नो से मैम डाउट करना है. ओके, सो एज फॉर द फॉर्मेट ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट, यू कैन सी देर आर डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स इन अ रिसर्च रिपोर्ट. ओके, सो एंड यू हैव टू फॉलो दिस. अब देखिए इसमें डिफरेंट आपको फॉर्मेट जो यहाँ पे है वो आपको मिल रहा है, इसमें डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स मिलेंगे. तो फॉर्मेट क्या है, वी आर डिस्कसिंग द फॉर्मेट, हाउ विल यू लाइक प्रिपेयर योर रिसर्च रिपोर्ट, आप किस तरह से करोगे, क्योंकि जाहिर बात है देर शुड बी अ फॉर्मेट on the basis of that you would write your research or you will design your research, right? तो आपको वो कौन सा फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट में यहाँ पे शेयर कर रही हूँ. देर आर डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स इन आर रिसर्च रिपोर्ट. द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज द टाइटल पेज. इन टाइटल पेज यू विल राइट योर नेम, नेम ऑफ द ऑथर्स और द रिसर्चर्स, ठीक है, हो सकता है एक ऑथर हो या हो सकता है डिफरेंट ऑथर्स हो. यू विल मैंशन योर नेम्स, योर आई डीज एंड योर योर डिपार्टमेंट एंड द टॉपिक. या द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द टॉपिक और द टाइटल ऑफ योर रिसर्च, ठीक है, वो आप लिखेंगे. वो आप लिखने के बाद उसमें आप ईयर लिखोगे कि आपका किस कौन सा ईयर है, डेट जो है वो लिखनी है. एंड यू विल राइट अबाउट योर डिग्री प्रोग्राम, क्या आपका डिग्री प्रोग्राम क्या है. आई विल शेयर द टेम्पलेट विद यू, आई विल शेयर अ सैम्पल टाइटल पेज विद यू लेटर ऑन बट नॉट नाउ. देन आफ्टर द टाइटल पेज यू विल राइट द टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स. या ऑल्दो देर आर सो मेनी अदर थिंग्स विच यू हैव टू write in your research project when you are writing a research project for your degree completion. Yes, there are so many other formalities which you have to include in this, like you have to write acknowledgement, you have to write dedication, you have to write many other things. Okay, but here I'm just being precise and to the point. That's why I am just discussing the important components of a research report. Okay, so yeah, title page. After the title page, there would be the table of contents. In table of
of contents, you will mention the each and every section and heading of the research report. That, for example, abstract is on page number 5, introduction is on page number 6, background is on page number 7, aims is on page number 8. Then you have the literature review, that is on page number 15. So in table of contents, you write the heading, the section, and the page number. Table of contents ko sabko pata hoga, theek hai? Then there is this thing, abstract. Abstract is basically the summary of your research. Okay, that this is the summary of your research project or research report. So ye aapne pura conduct karwa diya. Abstract kab likhte hain? Jab aapka pura research ho gaya aur aapne likh liya hai, to phir aap usko likhte hain. ठीक है, वो एक जिस्ट होता है, एक समरी होती है आपकी रिसर्च की, कि आपका रिसर्च का टॉपिक क्या है, आपने रिसर्च को कैसे कंडक्ट किया, आपने कौन से टूल्स यूज़ किए, आपने कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए, उसको एनालाइज कैसे किया, कितने पार्टिसिपेंट्स थे और आपकी फाइंडिंग्स, की फाइंडिंग्स क्या हैं. तो की फाइंडिंग्स में आपने एक दो लाइनें लिख दी और बस. ठीक है, देन यू हैव दिस इंट्रोडक्शन पार्ट. इंट्रोडक्शन में आपने अपने टॉपिक का बैकग्राउंड लिखना है. फॉर एग्जांपल, मैं कर रही हूँ कोड स्विचिंग पे अमंग पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, तो मुझे इनका बैकग्राउंड देना है कि ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, वो कोड स्विचिंग, उनकी कोड स्विचिंग के बारे में लिखना है कि हाउ दे डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इन लाइक इन द यूनिवर्सिटी इन डिफरेंट सेटिंग्स. ठीक है, इसी तरह आपने अपने एम्स बताने हैं अपने इस रिसर्च का, कि आपके रिसर्च का मकसद क्या, आप क्यों कर रहे हो, उसका मकसद आपने बताना है. देन ऑल्सो यस, देयर इज व्हाट, देयर इज अनदर थिंग, यू विल हैव टू राइट द रिसर्च क्वेश्चंस. ओके, आई एम राइटिंग दिस, यू विल हैव टू राइट द रिसर्च क्वेश्चंस एज वेल. लाइक आपको अगर मैं कहती हूँ कि आपने एक रिसर्च रिपोर्ट बनानी है, तो आपका जो रिसर्च रिपोर्ट है, देयर शुड बी एटलीस्ट टू क्वेश्चंस इन योर रिसर्च रिपोर्ट. ठीक है, आपकी रिसर्च रिपोर्ट में दो क्वेश्चंस होने चाहिए जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड होंगे. देन यू हैव लिटरेचर रिव्यू. लिटरेचर रिव्यू में क्या करते हैं क्लास, लिसन टू मी केयरफुली. लिटरेचर रिव्यू इज, यू नो, एक्चुअली यू आर रिव्यूइंग लिटरेचर ऑफ अदर रिसर्चर्स. दूसरे रिसर्चर्स ने, फॉर एग्जांपल, जो मतलब फातिमा नाम की जो रिसर्चर है, उस रिसर्चर ने भी कोड स्विचिंग को देखा हुआ है, लेकिन उसने जो है कोड स्विचिंग को देखा हुआ है पंजाबी स्टूडेंट्स के बीच में. या फॉर एग्जांपल जेम्स ने कोड स्विचिंग को, कोड स्विचिंग पर रिसर्च किया हुआ है, और उसे जो रिसर्च किया है वो किया हुआ है पश्तो स्पीकिंग स्टूडेंट्स के बीच में, कि पश्तो स्पीकिंग स्टूडेंट्स कैसे कोड स्विचिंग करते हैं, कैसे वो पश्तो कहीं पर यूज़ करते हैं, कहीं पर उर्दू यूज़ करते हैं, कहीं पर इंग्लिश यूज़ करते हैं, तो किस तरह से ये करते हैं. और एक और रिसर्चर ने देखा हुआ है कि कोड स्विचिंग जो है वो सिंधियों में कैसा है. तो मतलब मुख्तलिफ रिसर्चर्स ने कोड स्विचिंग पर किया हुआ है, लेकिन मुख्तलिफ सेटिंग्स और कॉन्टेक्स्ट में किया हुआ है. तो आपने उनके लिटरेचर को पढ़ के उनका हवाला देना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कहना है कि जेम्स ने 2010 में रिसर्च किया था कोड स्विचिंग पर, और वो कोड स्विचिंग जो है वो थी सिंधी स्पीकर्स के दरमियान. ठीक है, फिर कहेंगे फातिमा ने एक रिसर्च किया 2015 में, जो कि कोड स्विचिंग थी पंजाबी स्टूडेंट्स के बीच में. तो मतलब आपने अपने टॉपिक से रिलेटेड जितने भी मटेरियल्स आपको मिलते हैं ना ऑनलाइन, ये रिसर्च पेपर्स, आपने उनको देखना है. ठीक है, तो आपने क्या करना, आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे, आपने लिखना है कोड स्विचिंग अमंग पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल आपका जो कीवर्ड है वो लिख दिया. देन यू विल गूगल दैट, और फिर गूगल आपके लिए एक पूरी लिस्ट दे देगा डिफरेंट रिसर्च की, मुख्तलिफ रिसर्चेज आपके सामने आएंगे कि फ़लाना ने ये रिसर्च किया है, वो रिसर्च आपके पास आएगा, रिपोर्ट और किसी और का रिसर्च, यानी सबके रिसर्च पेपर्स आपके सामने आ जाएंगे. तो आपने फिर उनका हवाला देना है एक एक पैराग्राफ में. फॉर एग्ज़ाम्पल, फातिमा ने 2015 में एक रिसर्च कंडक्ट किया, एंड she explored and investigated the patterns of code switching among Punjabi speakers, and she used such and such instruments and tools for collecting the data, and she found out these things. Yeah,
the results and findings of her research are following as follows. For example, तो आपने फिर इस तरह से बताना है. तो ये लिटरेचर रिव्यू होता है, ठीक है. यानी आप दूसरों के रिसर्च से बता रहे होते हो कि फलाना ने ये रिसर्च किया है, फलाना ने ये रिसर्च किया है कोर्स स्विचिंग पे, उनकी रिसर्च को आप यहाँ पर बताते हो, ठीक है. इज इट क्लियर क्लास? It seems like you people are sleeping. Class, it's very important, and you have to be awake, and you have to be attentive, and you have to be listening to me carefully. And it seems that you people are not listening, and most of the students are just like doing another stuffs, or like they are just sleeping. मुझे तो ऐसी feelings आ रही हैं जिस तरह से आप लोगों की class में खामोशी है. Anyways, जब project आपको दूँ, please फिर 50 सवाल मत देगा. Yes, yes. मैम, जिस तरह ये जो लिटरेचर रिव्यू है, तो हमें मतलब इसमें कितनी रिसर्च लिखनी चाहिए? यानी अगर आपका हमारा कोई टॉपिक है जिस तरह प्रेजेंटेशन में होगा, तो अगर हम लोग एक भी लिख दें किसी की लिटरेचर रिसर्च या उसका रिव्यू? एक नहीं लिखते. लिटरेचर रिव्यू का जो पार्ट होता है उसमें कम से कम, यानी मैं आपको कम बता रही हूँ कि छोटे रिसर्च रिपोर्ट में एक छोटा सा भी अगर है तो आपने 3 से 4 रिसर्च का हवाला देना है कि फॉर एग्जाम्पल जेम्स ने ये स्टडी की है, फातिमा ने ये रिसर्च किया है कोड स्विचिंग पे, और जो है वो जेनिफर ने ये किया है, ये भी बताते हैं उसमें. मैं भी आगे जाके डिस्कस करूंगी ये सारी चीजें, ठीक है. Okay, then we have the methodology section. In methodology section, you will have to tell about the research design, the data collection, and the data analysis. Okay, methodology में आप ये चीजें बताएंगे कि आपने कैसे अपने डेटा को कलेक्ट किया, ठीक है. मतलब ये जो डेटा एनालिसिस है, ये डेटा एनालिसिस जो है ये एक अलग से जो है वो सेक्शन है. इसमें जो है एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ये एक अलग सेक्शन है, ठीक है. ये आपके मेथोडोलॉजी का पार्ट नहीं है. चलें, मेथोडोलॉजी में आपने बताना है कि आप अगर अपना इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हो तो आप किस तरह से कलेक्ट कर रहे हो. आप फॉर एग्जांपल, अब मैं कहती हूँ कि मैं कोड स्विचिंग पे मैंने डेटा कलेक्शन करनी है, तो सबसे पहला चीज़ ये है कि मैं डेटा कलेक्शन के लिए इंस्ट्रूमेंट क्या यूज़ कर रही हूँ. तो मेरा इंस्ट्रूमेंट होगा इंटरव्यूज़, ठीक है. मैं स्टूडेंट से इंटरव्यूज लूंगी, एंड ऑल्सो आई विल डिस्ट्रीब्यूट रिसर्च क्वेश्चंस अमंग माय पार्टिसिपेंट्स. मैं फॉर एग्जांपल 100 पार्टिसिपेंट्स लूंगी यूनिवर्सिटी से, 50 या 100 जो है स्टूडेंट्स को मैं लूंगी यूनिवर्सिटी से, वो मेरे जो है सैंपल्स होंगे, ठीक है. मेरे सैंपल्स होंगे, उनसे मैं डेटा कलेक्ट करूंगी. उनसे मैं सबसे पहले तो क्वेश्चनेयर फिल करवाऊंगी. क्वेश्चनेयर फिर मैं उनसे कलेक्ट कर लूंगी. फिर उसके बाद, ये कलेक्शन का तरीका है, फिर उसके बाद मैं 100 में से 20 स्टूडेंट्स को रैंडमली जो है वो सिलेक्ट करूंगी और उनसे मैं इंटरव्यू लूंगी. इंटरव्यू लेने के बाद उनसे मैं डेटा कलेक्ट करूंगी. सो दिस इज़ प्रोसीजर ऑफ माय डेटा कलेक्शन, ठीक है. दिस इज़ माय प्रोसीजर, ठीक है. तो ये मेरा है कि मैंने 100 पार्टिसिपेंट्स को लिया स्टूडेंट्स से यूनिवर्सिटी के, एंड उनसे मैंने क्वेश्चनेयर फिल करवाया. फिर मैंने उनमें से 10-20 पार्टिसिपेंट्स से इंटरव्यू लिया. सो दिस इज़ प्रोसीजर ऑफ माई डेटा कलेक्शन, ठीक है. एंड व्हाट वुड बी माय रिसर्च डिजाइन मेरा क्या होगा? क्या ये क्वालिटेटिव होगा या क्वांटिटेटिव होगा? ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन में मैं आप लिख देती हूँ. क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन में आप जो है वो नंबर्स परसेंटेजेस यूज नहीं करते हैं, बट आप जब क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन का आप करते हैं तो आप जो है वो नंबर और ग्राफ्स या आप परसेंटेजेस को यूज़ करते हैं. तो क्वालिटेटिव में यू जस्ट डिस्क्राइब योर फाइंडिंग्स, अपने फाइंडिंग्स को डिस्क्राइब करते हैं कि मतलब स्टूडेंट्स ने मुझे इस तरह का रिस्पॉन्स दिया. लेकिन जब मैं क्वांटिटेटिव रिसर्च करती हूँ ना, तो क्वांटिटेटिव में मैं नंबर्स के साथ खेलती हूँ. कैसे? मैं उसमें टेबल्स बनाती हूँ, उसमें बताती हूँ कि इतने परसेंट स्टूडेंट्स ने जो है मुझे ये रिस्पॉन्ड किया, इतने परसेंट स्टूडेंट्स ने मुझे कहा ये कहा. तो मतलब मैं नंबर्स जो है नंबर्स के ज़रिए अपने फाइंडिंग्स को बताती हूँ. तो क्वालिटेटिव में आप नंबर्स या टेबल्स के ज़रिए नहीं बताते, आप जस्ट डिस्क्राइब करते हैं कि कुछ बच्चों ने जो है वो मुझे इस तरह से जो है वो रिस्पॉन्स किया, कुछ ने इस तरह से किया. क्वान्टिटेटिव में आप नंबर्स बताते हो. समझ आ गई? तो ये रिसर्च डिज़ाइन है. फिर उसके बाद जो है आपका डेटा एनालिसिस. यस,
मैम मतलब रिसर्च डिजाइन में हम इन दोनों में से कोई एक मेथड यूज करेंगे ना, या क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव? आप दोनों भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इट्स अप टू यू. दोनों इस तरह से यूज कर सकते हैं कि आप जो है वो अपने फाइंडिंग्स को, फॉर एग्जांपल आपके क्वेश्चनर की जो फाइंडिंग्स हैं आपने उसको क्वांटिटेटिव कर दिया, आपने टेबल्स के जरिए और परसेंटेजेस के जरिए, फ्रीक्वेंसीज के जरिए आपने बता दिया, और जो आपका इंटरव्यू जो आपने लिया है वो आपने क्वालिटेटिव रखा, जिसमें आपने बताया कि बच्चों ने इस तरह की बातें की और इस तरह से मुझे रिस्पॉन्स मिला. ठीक है, डिस्क्राइब करेंगे आप इसमें. ठीक है, ओके. लेकिन रिसर्च डिज़ाइन जब आप मेथोडोलॉजी के पार्ट में लिखोगे तो आपने बताना है कि माय रिसर्च डिज़ाइन वुड बी क्वालिटेटिव इन नेचर. फॉर एग्जांपल आई विल कलेक्ट द डेटा थ्रू इंटरव्यू एंड आई विल इंटरव्यू डिफरेंट स्टूडेंट्स एंड देन आई विल एनालाइज द researcher will analyze the responses of the students and describe and document those responses. And क्योंकि सारी बात आप जब interview करोगे तो you will record the responses. तो then you will have to transcribe the responses. आप recording के बाद आप उसको सुनोगे, then you will take notes of the responses and then you will document the responses. मतलब आप document करोगे, उसको लिखोगे. Then you will see that how many participants have responded positively or negatively. Okay, this way you will decide. So qualitative mein definitely aapne jo hai wo description deni hoti, describe karna hota hai, explain karna hota hai. But in quantitative you will say that the researcher will collect the data through questionnaire and he will or she will present the data in tabulated forms or use graphs and use different charts to present her data or present his data. ठीक है, जो भी है जैसा भी है. तो क्वान्टिटेटिव में आपने यहाँ बस इतना बताना है. बट वेन यू जस्ट स्टार्ट राइटिंग योर डाटा एनालिसिस, इन डाटा एनालिसिस आप जो है वो अपने सारे रिस्पॉन्सेज को लिखोगे कि फलाना ने ये रिस्पॉन्ड किया, मतलब कुछ बच्चों ने इस तरह से रिस्पॉन्ड किया, कुछ बच्चों ने इस तरह सर आप लिखेंगे. और अगर आप टेबल्स बना रहे हैं तो आपने डेटा एनालिसिस के पार्ट में टेबल्स बनाने हैं. ठीक है, डेटा एनालिसिस के पार्ट में टेबल्स बना के आपने बताना है कि इतने बच्चों ने ये रिस्पॉन्ड किया. फिर रिजल्ट्स और फाइंडिंग में जब आप जाएंगे तो आपने बताएंगे कि आपके जो आपने जो पार्टिसिपेंट्स आपने सिलेक्ट किए थे, जो आपके सैंपल्स थे, उनसे जब आपने अपना डेटा कलेक्ट किया तो आपकी फाइंडिंग्स ये निकली हैं कि बहुत से बच्चे जो है वो क्लास में कोड स्विचिंग करते हैं और वो कभी उर्दू कभी इंग्लिश यूज़ करते हैं, और जब उनको प्रेजेंटेशन देनी होती है तो वो इंग्लिश यूज़ कर रहे होते हैं, जब उनको क्लास में आंसर देना होता है दे आर बींग bilingual, they are using English and Urdu both, for example, and when they are talking to the teacher they are also being bilingual, they use both of the languages to communicate with their teachers. To matlab is tarah se aapke aapka result aur finding aapne dene hain. ठीक है, फिर आपका आएगा कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस. कंक्लूजन में, इन कंक्लूजन यू विल राइट अगेन द समरी ऑफ द होल रिपोर्ट. लाइक यू विल टेल व्हाट आर योर रिसर्च क्वेश्चंस and what are the key findings. Here you will not explain each and everything. आपने just key findings बतानी है कि भाई ये findings मेरे research की हुई है. conclusion में आपने बस इतना बताना है. ठीक है, then recommendations की जब बात होती है तो आपने ये बताना है कि okay, आपने जो topic लिया है उस पर आगे और क्या काम हो सकता है. ठीक है, मैंने तो कोड स्विचिंग का काम किया और आगे इस पे कौन कौन से काम हो सकते हैं वो आपने बताना है रिकमेंडेशंस में. देन यू विल राइट द रेफरेंसेस. रेफरेंसेस वो होते हैं जिसमें आप जो है बताते हैं कि अगर आपने लिटरेचर रिव्यू किया हुआ है तो आपने किस किस के रिसर्च से किया हुआ है, उन सब का रिसर्च आपने रेफरेंसेस में आपने डालना है. ओके, आपने एक काम करना है, आपको मैं एक जो है वो अपना एक रिसर्च जो है मैं आपको बताती हूँ. आपने रिसर्च गेट पर जाकर आपने मेरा वो रिसर्च खोलना है और उस रिसर्च को आपने देखना है कि उस रिसर्च में मैंने किस तरह से रिसर्च रिपोर्ट लिखी हुई है, वो रिसर्च पेपर लिखा हुआ है. ठीक है, और उसमें किस तरह से मैंने रेफरेंसेस दिए हुए हैं, किस तरह से मेथडोलॉजी को यूज़ किया हुआ है, किस तरह से लिटरेचर रिव्यू मैंने किया हुआ है, रिसर्च डिज़ाइन के बारे में मैंने किस तरह से लिखे, वो सारी चीज़ें मौजूद होंगी. आई विल शेयर माय रिसर्च पेपर विद यू. ओके ओके, यस. अगर अगर आपको कोई क्वेश्चन यहाँ पर है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. मैम जी, जो ये डाटा एनालिसिस है, ये डाटा एनालिसिस जो है ये मेथोडोलॉजी का पार्ट है, ये सेपरेट एक हेडिंग? नहीं, ये सेपरेट लिखना है. डाटा एनालिसिस मेथोडोलॉजी का पार्ट नहीं है, ये सेपरेट होता है.
ठीक है मैम. या ओके, ये जो बीच में है ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, ये आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए है. ये सारा अभी बता चुकी हूँ आपको, इसीलिए आई विल नॉट स्पेंड और वेस्ट मोर टाइम ऑन दिस. लेट्स मूव ऑन बिकॉज आई एम गोइंग टू डिस्कस द गाइडलाइंस फॉर एकेडमिक रिपोर्ट. यस, हियर आर सेवरल गाइडलाइंस फॉर राइटिंग अ रिपोर्ट. यू कैन सी रिसर्च रिपोर्ट, आई शुड से इट्स रिसर्च रिपोर्ट नॉट एकेडमिक रिपोर्ट. या रिसर्च रिपोर्ट, ठीक है. तो आपने क्या क्या चीजें नहीं करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल, अवॉइड इडियोमेटिक और कोलोकियल लैंग्वेज. आपने स्लैंग लैंग्वेज को यूज नहीं करना, आपने इनफॉर्मल लैंग्वेज को यूज नहीं करना. फॉर एग्जाम्पल, यू विल यूज चिल्ड्रन इंस्टेड ऑफ किड्स. किड्स आपने लिखना, चिल्ड्रन लिखना है. आपने मनी नहीं लिखना, सॉरी आपने कैश नहीं लिखना, यू हैव टू राइट मनी. बिकॉज kids and cash, these are colloquial language or idiomatic or slang language, and you are not allowed to use informal language in your research reports. Okay? Then the second thing is, be precise and exact when dealing with dates or numbers. Give exact dates rather than some time ago or the year of the study you are referring to rather than a while ago. Aapne ye nahi likhna ke James conducted a research 1 year ago. No. ये नहीं लिखना. यू हैव टू राइट जेम्स कंडक्टेड अ रिसर्च इन 2015. यू हैव टू राइट द एग्जैक्ट नंबर, यू हैव टू राइट द एग्जैक्ट डेट 2015. ठीक है, तो आपने अ वाइल अगो, अ ईयर अगो, सम टाइम अगो, यू विल नॉट यूज दीज सॉर्ट ऑफ फ्रेजेस एंड वर्ड्स. Then you will use cautious language with appropriate and avoid over generalizations. For example, aapne jo hai wo dekh kar muhtaat lehje mein aapne likhna hai. For example, aap ye nahi keh sakte ki unemployment can lead to crime, ki berozgari jo hai wo jaraim ki taraf lekar jati hai. क्योंकि इस तरह कहेंगे तो इसका मतलब है कि तमाम बेरोजगार लोग जो है वो जाके जराइम पेशा जो है वो इंसान बन जाते हैं. ऐसा तो नहीं है, बहुत से जो अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं वो नहीं जाते जराइम की तरफ. बट आप ये कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट कॉजेज क्राइम. यहाँ पर आपने ये नहीं कहा कि मतलब सारे के सारे जो बेरोजगार हैं वो जराइम की तरफ जाते हैं. आपके यहाँ पर आपने कहा है कि हाँ, बाजों का जो है वो जराइम जो है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगारी है, वो क्राइम को कॉज करता है. ठीक है, तो ओवर जनरलाइजेशन इज नॉट अलाउड. Then you will not use adverbs that show your personal feelings. आपने ये नहीं लिखना luckily, surprisingly, जिसमें आपके अपने emotions show हों. ठीक है, then do not use contractions in your writing. Use do not rather than don't. देखें, when you write an academic report or when you write something academic or when you are writing a research report, you are not allowed to use contractions. I am लिखना है, I apostrophe am नहीं लिखना, isn't नहीं लिखना, is not लिखना है, aren't नहीं लिखना, are not लिखना है. ठीक है, so you have to be careful about these things. Okay, you should avoid using the following. For example, you will not use like, you will use such as or for examples. Then also you will not use a thing, use factor, issue or topic. आपने lots of use नहीं करना, आपने लिखना है a significant number, a considerable number. ठीक है, आपने little and big नहीं लिखना, आपने लिखना है you small and large. For example, कुछ phrases है get के साथ शुरू होते हैं, तो get phrases जैसे get better, get worse, ये वाले जो जो जिसको हम कहते हैं phrasal verbs, you will not use these phrasal verbs. You will rather use some strong vocabularies, जैसे improve है, deteriorate है. ठीक है, इस तरह के, इसी तरह you will not use good or bad, you will use positive or negative. Okay, in the same way, avoid questions form such as why did Apple move its manufacturing to China. Use positive statements instead. There were two main reasons for Apple's decision. लिखते 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 आपने question में कोई sentence नहीं लिखना. Question जब आप लिखते तो एक अलग से question होता है. But when you are writing a research report, write positive statements, positive sentences. Do not use the question forms of any sentence. ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है. Avoid using two word phrasal verbs. You will not use phrasal verbs if there is a single word alternative. For example, distribute जब है तो आपने give out नहीं use करना. ठीक है, avoid using etc. or so on. बल्कि आप लिखें and,
before the last term, or for example France, Italy and Spain rather than France etc or so on. Aapne nahi likhna, aapne end karke us jumle ko finish kar dena hai. Make sure you are using surnames rather than first names in your academic writing. Okay class, ghor se sune. It is a very 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 important point for your research report. If you are writing a research report or if you are writing a research paper, this point should be noted. You should note down this point. Aap jab literature review mein aap jab reference dete ho to yaad rakhiyega, you will never use the first name of that person. For example, if a person's name is Jennifer Miller, for example, you will not say Jennifer conducted a research. You will write Miller conducted a research. समझ आ गई बात? आपने ये नहीं लिखना जेनिफर ने. जेनिफर इज द फर्स्ट नेम एंड यू आर नॉट अलाउड टू राइट द फर्स्ट नेम इन द साइटेशन. यू विल हैव टू राइट द लास्ट नेम ऑफ द रिसर्चर. फॉर एग्जांपल, मेरा नाम है सैयदा जाहिदा रिजवी. सो आई हैव थ्री नेम्स. माय फर्स्ट नेम इज सैयदा, सेकंड नेम इज जाहिदा, सॉरी मिडिल नेम इज जाहिदा एंड द लास्ट नेम इज रिजवी. सो व्हेन यू आर साइटिंग माय वर्क, यू हैव टू राइट रिजवी. Okay, you will not write Zahida or Sayida, you will write Rizvi. ठीक है, और आप भी कर सकते हैं Rizvi S, जैसे मेरा पहला नाम S है, Rizvi dot S कर सकते हैं, लेकिन आपने last name को use करना है. And remember, आप जब एक बंदे के research को आप quote कर रहे हो, cite कर रहे हो, तो आपने लिखना है James, या मतलब जिस बंदे का है, जैसे मेरा research है, तो आपने लिखना है Rizvi, फिर bracket में आपने वो year लिखना है जिसमें मैंने इस रिसर्च को पब्लिश किया. 2012, 2010, 2011, 1997, जो भी ईयर है उस ईयर को अपने ब्रैकेट में, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना स्मिथ, फिर मैंने कर दिया 2012 को ब्रैकेट में. सो यू विल आल्सो साइट दिस वे. ओके, and then avoid over personal language. You will not write I think or in my friend's opinion or in my opinion or I say. No, you will avoid this over personal language. Okay, so yeah, these were some guidelines for your academic writing. If you have any question, you can ask. Yes. No questions? Okay, so again the same thing is there. When you are providing a reference in the text, in text citation it is called. Aap literature review mein jab in text citation kar rahe hote hain, to if you refer to, ab iske teen tarike hain, iske tarike different hain. If you refer to another author's work, this can be done in two ways, either by quoting the author's words directly or by paraphrasing or summarizing the author's point using your own words. Dekhen, aap for example us ek aapne research liya Jennifer Miller ka, to aapne Jennifer Miller ke research mein se ek sentence ko dekha. आप दो तरीकों से इसको कोट कर सकते हैं, या तो ये कि आप उसके पूरे के पूरे सेंटेंस को एज इट इज लिख दें, ठीक है, लिख के उसको आप कोटेशन मार्क्स लगा दें, ठीक है, साइडों पे कोटेशन मार्क्स लगा दें, ठीक है. जैसे यहाँ पर मैंने एक किया हुआ है एडम्स, ब्रैकेट में उसका ईयर लिख दिया, क्लेम्स दैट द ग्रेट स्टॉक मार्केट क्रैश ऑफ 1929, फिर मैंने कोटेशन मार्क्स लगा दिए. देखो नजर आ रहा है आपको, ये कोटेशन मार्क, यहाँ पे ये कोटेशन मार्क मैंने लगा दिया. कैन बी मोर रेडिली एक्सप्लेन्ड देन द डिप्रेशन दैट फॉलोड इट, फिर कोटेशन मार्क को मैंने बंद कर दिया. तो आप जब उस रिसर्चर के वर्ड्स को एज इट इज कोट करते हो, तो यू विल हैव टू यूज कोटेशन मार्क्स. समझ आ गई बात? और फिर यहां पर आपने ये भी लिखना है कि किस पेज पर ये बातें, ये वर्ड्स, ये चीज लिखी हुई है, ठीक है. इसको हम कहते हैं पार्शियल कोटेशन. ओके, अब जो है वो नेक्स्ट जो तरीका है वो क्या है, इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल we do not know why, for example this is, हाँ, अब यहाँ पर जो है जो आपका
दो तरीकों से आपने मैंने कहा था कि आपने इसको करना है, पहला ये कि पार्शियल कोटेशन किया है, दूसरा जो तरीका है उसमें आपने पार्शियल कोटेशन नहीं किया, उसमें फुल कोटेशन कर दिया है। आपने ऑथर के पूरे सेंटेंस को लेकर कोटेशन करना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आपने ऑथर के आधे सेंटेंस को लेकर उसको कोट किया है, उसको कोटेशन मार्क लगा दिया है, और ये इसको कहते हैं पार्शियल कोटेशन। और जो दूसरा है इसी का, ये फर्स्ट एग्जाम्पल का दूसरा पार्ट है, इसमें आप फुल कोटेशन करते हो, जिसमें आप ऑथर के पूरे सेंटेंस को लेकर उसको कोट करके फिर आप क्या करते हो, जैसे यहाँ पर जो है ऑथर के पूरे सेंटेंस को हमने कोट किया है, तो हमने यहाँ पर कोटेशन मार्क यूज किया है, समझ आ गई बात। और फिर आपने उसको, जब आप ये करते हैं तो आपने ऑथर का नेम और उसका ईयर और पेज नंबर को ब्रैकेट में लिखना है। जब आप फुल कोटेशन करते हैं तो आपने ऑथर का नेम, उसका ईयर और पेज नंबर ब्रैकेट में लिखना है। लेकिन जब आपने पार्शियल कोटेशन करनी है, जिसमें आपने ऑथर की आधी बात को जो है वो कोट करना है पूरा, तो आपने यहाँ पर जो उसका नेम है उसको आपने ब्रैकेट में नहीं करना है। अच्छा, जो दूसरा तरीका है साइटेशन का वो ये है कि आप या तो ये कि उस रिसर्चर के बात को एज इट इज कोट करते हो सेंटेंस में, या ये कि आप उस रिसर्चर के सेंटेंस को लेके वो अपने अल्फाज में कोट करते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप ये कहेंगे कि एडम्स आर्ग्यूज दैट स्टॉक मार्केट क्रैशेस आर इनेविटेबल इफ देयर इज अ बूम इन स्पेकुलेशन। तो यहाँ पर मैंने अपने वर्ड्स को यूज किया है, मैंने बात मीनिंग एडम्स के ही मीनिंग्स हैं, बात एडम्स की ही है, लेकिन मैंने वर्ड्स को चेंज करके उसको रिफ्रेस कर दिया है, ठीक है। तो क्लास रिमेंबर, बी माइंडफुल ऑफ द थिंग, कि आप दो तरीकों से आप जो है कोट कर सकते हैं, साइट कर सकते हैं। जो पहला तरीका है, जो आपका पहला तरीका है उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने कोटेशन मार्क्स यूज करके रिसर्चर की बात को बिल्कुल सेम उसी तरह लिखना है। लेकिन जो दूसरा तरीका है उसमें आपने रिसर्चर की जो बात है उसको रिफ्रेस करके अपने वर्ड्स में लिखकर आपने लिख देना है, उसमें कोटेशन मार्क्स लगाने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज अ समरी ऑफ द मेन पॉइंट मेड इन द सोर्स, ठीक है। ओके, ये हो गई आपकी इन टेक्स्ट साइटेशन। आप जब रेफरेंसेस देते हैं एट द एंड ऑफ योर रिसर्च, आपका देखिए मैंने आप लोगों के यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ था कंपोनेंट्स में कि आप जो है वो लास्ट में आप क्या करते हैं, रेफरेंसेस लिखते हैं। देखिए रेफरेंसेस, तो रेफरेंसेस को आपने कैसे लिखना है, आप रेफरेंसेस को ऐसे लिखेंगे, ए पी ए स्टाइल इसको कहते हैं, इट्स कॉल्ड ए पी ए स्टाइल। ओके, ये ए पी ए स्टाइल है। तो ए पी ए स्टाइल में आपने करना है जो कि आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में भी आपका है। आपने ए पी ए स्टाइल में कैसे करना है, आपने रिसर्चर का आखिरी नाम लिखना है पहले, और जो पहला नाम है उसका सिर्फ एक पहला अल्फाबेट लिखना है, फिर आपने उसका ईयर लिखना है इस तरह से, और उसका टॉपिक लिखना है, टॉपिक के बाद आपने उसका जर्नल को लिखना है या बुक को लिखना है, ठीक है। तो यही पूरा स्टाइल रहेगा। आई होप दैट इट्स क्लियर टू यू। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, अदरवाइज आई विल टेल यू द असाइनमेंट, द प्रोजेक्ट व्हिच आई एम गोना गिव यू। यस जैसे पहले सेंटेंस आपने बताया कि थर्ड पर्सनल आपने यूज करना है, आई वी का यूज नहीं करना, ही शी और दे का यूज करना है, तो उसमें अगर हमने अपनी सजेशन देनी हो तो वो किस तरह हम पुट करें? अपनी सजेशन आप नहीं देते इसमें, ठीक है। आप जब रिसर्च करते हैं ना, तो रिसर्च में आप अपनी बात अपनी तरफ से कोई बात नहीं करते, इस बात को हमेशा याद रखिए। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया मोहम्मद काशिफ, कि आप जब रिसर्च करते हो तो इन रिसर्च यू आर ऑब्जेक्टिव, यू आर नॉट सब्जेक्टिव। आपने अपनी ओपिनियन देनी ही नहीं है, आपने अपनी सजेशन देनी ही नहीं है, आप जो सोचते हो आपने बताना ही नहीं है। आपने क्या करना है, एवरीथिंग वुड बी बेस्ड ऑन रिसर्च। आपने अपने इस टॉपिक को सर्च किया, इस पर रिसर्च किया, आपने डेटा कलेक्शन की, आपने किस तरह से किया, इंटरव्यू से किया, क्वेश्चनेयर से किया, लिटरेचर रिव्यू करके किया, जो भी किया आपने, जब उसको किया तो आपने बताना है जो आपने रिसर्च किया है ना, उसके बाद जो आपके फाइंडिंग्स है आपने वही लिखना है। आपने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखना, अगर अपनी तरफ से कुछ लिखेंगे तो बायस हो जाएगा, समझ आ गई बात। तो आपने क्या करना है, अपनी सजेशंस, अपना ओपिनियन, अपनी बात करनी ही नहीं है, आपने बस वही बताना है जो आपके रिसर्च से आपको मिला है, ठीक है।
ओके मैम, मैम सेकंड ये था जो हमने कोटेशन पुट करनी है, हाँ? अगर हमें कोटेशन याद हो और जिसने लिखी है उसका नाम और ईयर सही ना याद हो तो हम वो उसके सही नहीं नहीं वो याद नहीं बेटा, वो आपका उस पे उस रिसर्च पेपर पे लिखा होगा जो आप निकालोगे इंटरनेट से। नहीं मैम, हमने कोई अपनी तरफ से जब लिखनी होती है तो उस दौरान में ये तो नहीं, नहीं आप कभी अपनी तरफ से नहीं लिखते हो, आप जब रिसर्च पेपर आपको कहा जाता है तो आपको जो है वो आप जाकर उसको रिसर्च जो है इंटरनेट पे सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद लिखते हैं। मतलब आपको कभी नहीं कहा जाएगा कि जबानी कोई रिसर्च पेपर दे, जबानी रिसर्च पेपर्स नहीं होते। रिसर्च पेपर तो बकायदा एक टेक्निकल एक तरीका होता है, साइंटिफिक एक तरीका होता है जिसमें आप बकायदा रिसर्च करते हैं। यू आर गिवन टाइम, आपको टाइम दिया जाता है रिसर्च करने का। ठीक है, ओके मैम, शुक्रिया। ओके वेलकम। यस क्लास, एनी अदर क्वेश्चन? नो मैम। ओके ठीक है, आपको क्या करना है, डू वी हैव अनुषा एंड ज़ेन हियर? अनुषा और ज़ेन है यहाँ पे? यस मैम। जी अनुषा, आपने क्या करना है? ज़ेन पता नहीं है कि नहीं, लेट मी सी, ज़ेन नहीं है। अनुषे, आप जो इंस्ट्रक्शंस मैं अभी दे रही हूँ ना, आपने उसको नोट डाउन करना है, फिर उसके बाद आपने वो शेयर करना है ग्रुप में। मैं आपको प्रोजेक्ट बता रही हूँ जो आपका प्रोजेक्ट है। आपने प्रोजेक्ट करना है, एक ग्रुप बनाना है। सबसे पहले तो बच्चों ने ग्रुप्स बनाने हैं, 5-5 का ग्रुप बनेगा, ठीक है, 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनेगा। और उसके बाद आप लोग क्या करोगे, आप लोग एक टॉपिक लेकर जो है मेरे पास आओगे और मैं उस टॉपिक को अप्रूव करूँगी। ठीक है, आपका जो टॉपिक होगा जिस पे आपने रिसर्च करना है, आपका ये एक रिसर्च है और आपने इस पे रिसर्च करना है, तो आपने वो टॉपिक लेकर आना है, उस टॉपिक को आपने मुझसे शेयर करना है। और आपने अपने ग्रुप का जो नेम है लिस्ट बनाकर एक पेपर पे आपने ग्रुप का मतलब जो मेंबर्स हैं, ग्रुप मेंबर्स हैं, उनके नेम्स, उनके आईडीज लिखनी है और अपना टॉपिक लिखकर आपने मेरे पास, पाँचों बच्चों ने आना है, आके मुझसे डिस्कस करना है अपने टॉपिक को और फिर मुझे जो है वो देकर आपने जाना है। और मैं मुझे फिर अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका टॉपिक जो है वो क्या है। टॉपिक आपका क्या होना चाहिए? टॉपिक आप, मैंने आप पर छोड़ दिया है कि आप जो सा भी टॉपिक आपने चूज करना है करें, लेकिन याद रखें टॉपिक कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए। इसमें कोई मजहब का पहलू या पॉलिटिकल कोई चीज ना आए, ठीक है, या ऐसी कोई कंट्रोवर्शियल चीज ना आए जो हमारे माशरे में सही ना समझी जाती हो। क्लियर? मजहबी बातें, अनएथिकल जो गैर अखलाकी जो टॉपिक्स हैं, या ये कि आपके जो पॉलिटिकल जो टॉपिक्स हैं उनको आपने छोड़ना है। इसके अलावा आपने जो भी आपने रिसर्च करना आप कर सकते हैं, आप जो है वो टेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं, आप यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग एंड लर्निंग भी आप कर सकते हो, आप जो है यूज़ ऑफ सोशल मीडिया इन टीचिंग एंड लर्निंग भी कर सकते हो। आप टीचिंग और लर्निंग को आपने रखना है, टीचिंग और लर्निंग इंग्लिश आपने रखना ज़रूर है, यानी आपने डिफरेंट रोल्स को देखना है इंग्लिश टीचिंग और लर्निंग पर, कि इंग्लिश लर्निंग पर या इंग्लिश टीचिंग में जो चीज़ें जो ट्रेंड्स आपने उनको एक्सप्लोर करना है। तो आप उसमें यूज ऑफ मीडिया, यूज ऑफ सोशल मीडिया, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ये इसके अलावा आप अगर जो है वो कुछ और देखना चाहते हैं, मतलब आप किसी टास्क को देखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप जो है वो इंग्लिश क्लास में रोल प्ले के टास्क को आपने देखना है कि वो इफेक्टिव है कि नहीं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या ये कि आप ये देखना चाहते हो कि इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग और मैं या टीचिंग में जो हम लोग पेंडेमिक की वजह से जो हम अभी टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं उसका क्या फ़ायदा हासिल हो रहा है लोगों को, या क्या नुकसान हासिल हो रहा है, या ये कि टीचर्स किस तरह से अफेक्ट हो रहे हैं, कि स्टूडेंट्स कैसे अफेक्ट हो रहे हैं। तो मतलब इस तरह के कोई टॉपिक आप लेकर आएंगे, 5 लोगों का एक ग्रुप बनेगा। फिर आप लोगों ने उस टॉपिक पर आपने रिसर्च करना है, रिसर्च करने के बाद आपने उसको प्रेजेंट भी करना है हर ग्रुप मेंबर ने, ठीक है, और आप पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और आपने ग्रुप मेंबर्स ने जो है उसको प्रेजेंट करना है। टॉपिक सिलेक्ट करने के लिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 2 दिन दे रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा है, आपके पास सैटरडे और संडे है टॉपिक सेलेक्ट करें, और मंडे को आप लोगों ने मेरे पास आकर मुझे टॉपिक्स बताने हैं कि आप क्या टॉपिक्स आप चूज़ कर रहे हैं। मेरा मुझसे मिलने के टाइमिंग्स में आपको मैं बता दूंगी अनुषे को, अनुषे जो है वो आपको बता देगी कि आप किस टाइम पर आप मुझसे मिलने आ सकते हो।
क्लियर? मैं अपने अपना टाइमिंग बताऊंगी, जिस दौरान अपने ग्रुप मेंबर्स के नेम्स लेकर और अपना टॉपिक लेकर आप आ जाओ। दो दिन में आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, दो दिन में आप अपने आइडियाज को शेयर करो, अपने ग्रुप मेंबर्स को आप सिलेक्ट करो और अपना टॉपिक सिलेक्ट करके मेरे पास आप मंडे को आएंगे। और जो मंडे को नहीं आएगा मेरे पास और मुझसे डिस्कस नहीं करेगा और अपना टॉपिक फाइनलाइज नहीं करवाएगा, उस बच्चे को मैं बाद में एंटरटेन नहीं करूंगी मंडे के बाद। उसको प्रोजेक्ट में भी जीरो मिलेंगे और प्रेजेंटेशन में भी जीरो मिलेंगे, ठीक है? सो आप मेरे बातों को जो है वो लिख लें कि आप लोगों ने मंडे को आना है और मुझसे टॉपिक शेयर करना है और अपने ग्रुप मेंबर्स को शेयर करना है। ओके, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट यू कैन आस्क मी राइट नाउ। मैम, यस मैम, मंडे को मतलब जब आपके पास आना है तो मतलब 5 के 5 मेंबर्स ने आना है, कोई एक भी उनमें से जा? मैम वो बात ये थी कि मैम ईद है तो फिर जो आउटसाइडर हैं वो लोग चले जाएंगे, तो क्योंकि छुट्टियां हो गई हैं। हमारी टिकट्स भी हो गई हैं। हमारी टिकट्स ऑलरेडी बुक कर दे, फिर यू कर दे, एक मेंबर आ जाए। ठीक है मैम, ठीक है, ओके मैम। कोई, हाँ ठीक है, कोई एक मेंबर, कोई भी, कोई एक मेंबर आ जाए। ठीक है मैम, इसको हम लोग जो अपनी रिसर्च बनाएंगे या कोई भी टॉपिक पे हम लोग लिखेंगे वो हम लोग वीडियो प्रेजेंटेशन की फॉर्म में उसको करेंगे ना? आप जब इसको लिखेंगे ना, लिखने के बाद आपने ऑन कैंपस जो है प्रेजेंटेशन देनी है, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन नहीं होगी। ओके मैम, तो मैम इसमें जो हम लोग क्वेश्चनेयर्स और इंटरव्यूज वगैरह करेंगे मतलब वो सारा करना पड़ेगा इसमें? वो आप डिपेंड करता है कि आप इंटरव्यूज करवाते हो, क्वेश्चनेयर्स करवाते हो या कोई और तरीका अपनाते हो अपने रिसर्च के लिए, इट्स अप टू यू। ओके मैम, थ्योरेटिकल नहीं हो सकता कि अगर हम लोग कर लें कि अगर अपने प्रेजेंटेशन में यानी अगर हम लोगों के फिजिबल ना हो क्वेश्चनेयर्स या वो भी? नहीं तो आप कैसे करेंगे थ्योरेटिकल, किस तरह से करेंगे? वैसे थ्योरी तो यूज करते हैं लेकिन मैं आपको थ्योरी यूज करने का नहीं कह रही हूँ, क्योंकि अभी आप लोगों ने, आप लोगों का वो लेवल नहीं और अभी आप लोगों ने वो पढ़ा भी नहीं, इसमें थ्योरी यूज करने का नहीं कहूंगी। बट अभी आप लोगों का कुछ ऐसा, आपका टूल, आपका इंस्ट्रूमेंट कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आपका डेटा कलेक्शन आपका सही तरीके से हो। समझ आ रही है आपको मेरी बात? मैम जी, मैम अगर 5 के 5 मेंबर आउटसाइडर हैं तो फिर क्या उसका है? बेटा 5 के 5 मेंबर आउटसाइडर ना करें ना, कोई एक तो यहाँ पर हो जो आके मुझसे डिस्कस करे चीजों को। ओके मैम, थैंक यू। आप कोशिश ये करें कि कोई ना कोई एक बंदा हो यहाँ पर। ओके मैम, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। ओके मैम, ओके ओके क्लास, फिर भी अगर आपको क्वेश्चन आता है यू कैन कम टू मी, कम टू माय ऑफिस, मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज यू कैन ईमेल मी, अगर ईमेल भी करना आप लोगों को हो इमरजेंसी की सूरत में। वैसे मैं ईमेल तो मैं 24/7 खोल के देखती रहती हूँ, नहीं तो फिर आप जो है वो अपने जो GR है या CR है उनसे कह दें, वो आपकी बात कन्वे कर देंगे मुझे जो भी प्रॉब्लम्स आपको आती हैं। सेकेंडली आपको अगर ये आपने रिसर्च कंडक्ट करने के दौरान अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है यू कैन कम टू मी। आपको मैं दे रही हूँ, आज क्या डेट है, इट्स 16 राइट, तो मैं आपको रिसर्च करने के लिए टाइम दे रही हूं 16 जो डेडलाइन मैं आपका रिसर्च सबमिशन के लिए दे रही हूँ वो आपने एक्सटेंड नहीं करना, क्योंकि मैंने आप लोगों के ऑन कैंपस जो है वो इनके प्रेजेंटेशन भी लेनी है, तो इसलिए प्लीज़ आपने जो टाइम मैं दे रही हूँ उसी टाइम के दौरान आपने करना है। समझ आ गई बात? आपने अपना जो जो रिसर्च है वो आपने मुझे सबमिट कराना है। सबमिशन तो खैर चले वो बाद में कर सकते हैं, लेकिन जो आपका प्रेजेंटेशन होगा वो मैं स्टार्ट कर दूंगी आप लोगों की प्रेजेंटेशन इस वीक, नेक्स्ट वीक तो छुट्टी है, नेक्स्ट वीक तो पूरी तो छुट्टी नहीं है, 3 दिन छुट्टी है, ये नेक्स्ट वीक 20, 21, 22 को छुट्टी है, ठीक है? तो नेक्स्ट वीक तो आपका पूरा जो है वो आप उस पर अपना, आप अपने अपने काम शुरू कर दें, आप उसका इंट्रोडक्शन लिख लें, आप उसका जो है वो उसके वो टेबल ऑफ कंटेंट्स बना लें, ये चीज़ें कर लें। बाकी डेटा कलेक्शन करने के लिए आपके पास मैं 2 से 3 दिन दूंगी, और आपका जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक है फ्राइडे को 30th of July, ठीक है, 30th of July फ्राइडे को आपका प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? ओके मैम, गॉट इट। ये अभी जो है सारा लिखेंगी अनुषा, फिर आपसे शेयर करेंगी।
30th जुलाई को, 30 जुलाई को आप लोगों का पहला प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। ग्रुप का हर मेंबर प्रेजेंट करेगा और उस वक्त तक, और जिस दिन आप लोग की प्रेजेंटेशन होगी उस दिन आप लोग फ्राइडे वाले दिन सब लोग मुझे अपना जो है वो रिसर्च प्रोजेक्ट भी, रिसर्च रिपोर्ट भी सबमिट कराएंगे। समझ आ गई बात? आप सब ने रिसर्च रिपोर्ट का सबमिट कराना है और सबमिट कराने के बाद आप लोगों का प्रेजेंटेशन फ्राइडे से शुरू हो जाएगा, जिसमें आप लोग जो है अपना ऑन कैंपस आप लोगों ने अपनी प्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है? देन यू हैव टू बी, इट मींस दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट एंड यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ द थिंग कि आप लोगों ने गलती नहीं करनी है और इसमें और किसी चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं है हेरा फेरी की। ओके, क्लियर क्लास? ओके मैम, एक और चीज मैम, जो हमारी जो रिसर्च रिपोर्ट होगी ये मतलब कितने वर्ष की होगी? सर आपने पहले बताया वो तो बहुत एक्सटेंसिव है ना, 12,000 वर्ड, तो ये हमारी कितनी होगी? हां वो तो रिसर्च प्रोजेक्ट के मैंने बताया कि रिसर्च प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं। आई विल शेयर द वर्ड काउंट एंड द फॉर्मेट विद अनुषे, ठीक है? और अनुषे आपको बता देगी, ठीक है? और काउंसलिंग मेंबर्स को बता दूंगी। ओके मैम, अपनी रिपोर्ट भी शेयर कर देंगी ना आप हमारे साथ? जो श्योर मैं आपको जो है, बल्कि आप एक काम करें, आप लोग रिसर्च गेट को खोले ना, रिसर्च गेट सर्च करें, रिसर्च गेट लिखें, RESEARCH अपना उस पे गूगल पे रिसर्च गेट लिखें, सब लोग लिख लिया? क्लास आप सबसे मैं कह रही हूँ आप लोग रिसर्च गेट लिख लें। यस मैम, लिख लिया। हाँ जी, रिसर्च गेट लिखने के बाद आपने लिखना है मल्टी मॉडल डिस्कोर्स एनालिसिस, बल्कि मैं ये आपको ग्रुप में शेयर करती हूँ अभी, वो अनुषे को भेजिए, अनुषे आपसे शेयर करेगी और आप उसको खोलकर देखें, ठीक है? रिसर्च गेट पे आपको मिलेगा। अनुषे अपना अपना चेक कर लें व्हाट्सएप। अनुषे, आर यू देयर? हेलो अनुषे, आई थिंक अनुषे हैज गॉट डिसकनेक्टेड। अनुषे, ओके अनुषे तो नहीं है, जैन भी मौजूद नहीं है अभी। मैं, लेट मी सी व्हाट कैन आई डू। अच्छा एक 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 अभी मैं एक काम करती हूँ आपके साथ ना, मैं यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ना मेरा स्क्रीन, इज माय स्क्रीन विजिबल क्लास? मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है? इसको देख लें आप। ओके मैम, अभी मैं लिख रही हूँ, आप देख लें। ठीक है, नजर आया सबको? यस मैम। दिस इज अ टॉपिक, ओके? रिसर्च गेट खोलें अभी और इस टॉपिक को सर्च करें, आपके बिल्कुल सामने आ जाएगा। इसके ऑथर्स हैं, इसके ऑथर्स में मेरा नाम होगा और मेरे दो और मजीद जो को ऑथर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उनका नाम होगा, ठीक है? जाहिदा रिजवी, नयाब वकास एंड महावीश फारूक, ठीक है? हम तीनों का नाम है पे लिखा हुआ है, आपको मिल जाएगा। आप ओपन करके मुझे बल्कि बता दें अभी कि आपको मिला है कि नहीं। ओके मैम, हम देख रहे हैं। आप इस फॉर्मेट को, मेरे इस फॉर्मेट को देख लें और अगर फिर भी आप लोगों को प्रॉब्लम आती है, यू कैन कम टू माय ऑफिस एंड क्लियर योर डाउट्स एंड आस्क क्वेश्चंस। Thank you.
जाहिदा सैयदा नायाब वकास और जी 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 या हाँ वही है, डाउनलोड कर ले, हाँ उसको डाउनलोड करके उसको आप देख ले, उसमें आपको फॉर्मेट मिलेगा पूरा, ठीक है, उस तरीके से आपने करना है। बाकी ये कि अगर आपको समझ नहीं आती तो आप मुझसे बेशक पूछ सकते हैं, आ सकते हैं मेरे ऑफिस, मुझसे पूछ लें आप और मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। चलें, ओके, नाउ अटेंड टू रोल कॉल क्लास, लेट मी शेयर माई स्क्रीन विद यू। ओके, अली नजम, अनुषे, आमना सरवत प्रेजेंट, अनमोल नईम, अनमोल तो मौजूद थी, अनमोल सोई हुई है, अनुषे निसार प्रेजेंट, अक्सा भट्ट, अरीज मंजूर प्रेजेंट मैम, आसफा नोरीन प्रेजेंट मैम, अशर मंजूर प्रेजेंट मैम, आसिफा, आयशा अशरफ प्रेजेंट मैम, आयशा नूर प्रेजेंट मैम, बिनेश, दानिश, ईमान शहजादी, फैजान अली, फजर अमीन प्रेजेंट, फातिमा खान, फिजा खान प्रेजेंट मैम, गुलाम नबी, हमना बाबर प्रेजेंट मैम, हमना नैयर, हिबा आसिफ प्रेजेंट मैम, हुमा मुमताज, कोमल अमीन प्रेजेंट मैम, लाइबा यूसुफ प्रेजेंट मैम, लाइबा अमजद, लिंता खावर प्रेजेंट मैम, माहा फुरकान, एक्सक्यूज मी मैम, माहा फुरकान, महीरा नासिर, मरियम अब्दुल कदीर प्रेजेंट मैम, मैमुना जाहिद, मोहम्मद अजद अली पाशा यस मैम, मोहम्मद हमजा प्रेजेंट मैम, दोनों हमजा मौजूद हैं यस मैम, मोहम्मद काशिफ यस मैम, मुकद्दस बीबी प्रेजेंट मैम, निदा हामिद, नूर फजल प्रेजेंट मैम, नूरुल हसनैन, रिमशा प्रेजेंट मैम, सादिया सरवत प्रेजेंट मैम, सजल खान प्रेजेंट मैम, मैम अनमोल ने इनकी भी लगा दी, सादिया प्रेजेंट मैम, तारा, सवेरा प्रेजेंट मैम, शाहसुभान राफे प्रेजेंट मैम, शर्जील, सईदा मारुख प्रेजेंट मैम, उज्मा जावेद, वरदा अली, कौन है ये, वरदा अली जैन आसिफ मैम, अनमोल नईम की भी लगा दो प्लीज, एंड जीमल मैम, एक्सक्यूज मी मैम, ओके डन क्लास, चले फिर मैम, यस मैम, हम जो टॉपिक जो मतलब लेंगे वो मतलब उसका अगर लर्निंग या टीचिंग से रिलेटेड है तो वो जरूरी तो नहीं ना कि इंग्लिश लर्निंग टीचिंग जो हम लोग कोई और सब्जेक्ट या जनरल स्टडी में भी उसका रोल देख सकते हैं या चले फिर आप देख लें, लेकिन मेरा जो मेन फोकस था वो इंग्लिश पर था,
बाकी आप देख लें, ठीक है आप देख लें, अगर आपको मतलब वो ज्यादा सही लगता है तो ठीक है। ठीक है, नहीं मैम हम ट्राई करें इंग्लिश के रिलेटेड। और मैम एक और चीज, जब हम लोग मतलब कर रहे होंगे मतलब हम लोगों ने जब अपना डाटा या रिसर्च लेनी है, तो अगर हम लोग क्वेश्चनेयर्स की फॉर्म में ले रहे हैं या इंटरव्यू की फॉर्म में ले रहे हैं, तो उसको तो अटैच करना जरूरी नहीं ना, सिर्फ उसकी फाइंडिंग ही हम लोगों ने बतानी है ना, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव। हाँ वो, लेकिन क्वेश्चन वो इंटरव्यूज वगैरह आपने मेंशन करने होते हैं कि किस क्वेश्चन की रिस्पॉन्स में क्या आया, ये मेंशन करना होता है आपके डेटा एनालिसिस में। ठीक है मैम। अच्छा क्लास आप लोगों को जो है अभी मेरे ज़हन में बात आई थी, चले हाँ आप लोगों को जो है मैं इतना लंबा नहीं दूंगी, आप लोगों को मैं मतलब छोटा ही रिपोर्ट दूंगी, वर्ड्स जो है मैं कम ही आपको दूंगी, वो मैं अभी निशे के साथ आज या कल तक शेयर करती हूँ, वो आपके साथ शेयर कर लेगी, और फिर जो है वो कोशिश करें कि आप टॉपिक जो है वो आपका चले इंग्लिश टीचिंग लर्निंग ही अगर नहीं भी होता तो इंग्लिश से रिलेटेड हो कोई, बस टीचिंग लर्निंग ना भी हो कोई मसला नहीं है, इंग्लिश से रिलेटेड हो बस कोई, समझ आ गई बात? ओके मैम ठीक है, ठीक है चले, ओके ओके क्लास, सी यू इन योर नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज।